सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो आज करने वाले सब्सक्राइबर के साथ टू वी टू चैलेंज। उन्होंने बोला था कि तुम और गोल्डी सामने रहो और हम दोनों होंगे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। और अरे गोल्डी स्टार्टिंग में नॉक हो गया, चलो कोई नहीं, अभी देखना फिनिश करने तो आएगा ही आएगा। ये देखो कर रहा है फिनिश, मैं फेलता हूँ उस गंदा वाला, वो हेड भी नहीं लग रहा आज। ये वीडियो में तो भी एंड नहीं लगता, क्या बात है। ओहो उसके दोस्त ने डैमेज दे दिया। रुको भाई, तो पीछे से रोटेशन लेके आ रहा है, मेरे को उधर जाना पड़ेगा। अब देखना क्रोन लगा के मारूंगा। चलो भाई एक हेड पड़ी है नॉक है वो, बस मर गया मैं तो। अबे उसे मार दिया मैंने भाई साहब, पूरा हाथ से निकला हुआ मैच था, पता नहीं कैसे मार दिया मैंने उसे। गाइस स्प्रे भर दिया मैंने उधर घूम घूम के, पर पता नहीं कैसे सर पे लग गई गोली। भाई सही तुक्का लग गया भाई साहब, यहाँ पे मैं स्प्रे भर रहा था पूरा और उस पर सर पे लग गई। सही है, और वैसे ही मैं 25 HP रह गया था, बहुत कम था यार मेरी हेल्थ, पता नहीं कैसे मैंने मार ही दिया मूवमेंट पर। चलो गाइस बढ़िया है, अभी जल्दी जल्दी गन सेलेक्ट कर लेंगे और मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। इस वीडियो के एंड तक बने रहना और बस ऐसे ही आप वीडियोस एंजॉय करते रहो, मैं नई नई वीडियोस लाता रहूँगा और गोल्डिया कलेक्शन दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है तो दिखाएंगे ज़रूर से। चलो भाई यहाँ पे अभी गोल्डिया में दोनों रश कर देते हैं। यहाँ पे स्काईलर पड़ गया है और बहुत कम HP हो गई है, 90 की हेल्थ गवा दी उसने, पता नहीं कैसे डेजर्ट ईगल चला रहे हम। चलो भाई यहाँ पे अभी आगे से कुछ चलते हैं, यहाँ से पीछे से कवर दूंगा गोल्डी को। भाई साहब गोल्डी ने तो उसका काम तमाम कर दिया, स्काइलर एकदम सही जगह यूज करा और फेल दिया। उसने भी स्काइलर मारा था पर वो मेरे को नहीं मार पाया, देखो गोल्डी का यूज स्काइलर का। गोल्डी ने एक स्काइलर मारा उसी तरह बेहोश हो गया, यहाँ पे पड़ा हुआ देखो लाश भी दिख रही है उसकी। ऊपर है क्या वो गोल्डी, ऊपर गोलियां चला रहा है ऊपर, मैं कवर में रहता हूँ। चलो गाइस गोल्डी ऊपर जा चुका है पर ऊपर से नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर नहीं है वो, तो अभी हम अबे सामने है क्या, सामने ही है गाइस वो। अब जल्दी जल्दी मेरे को हील भी करना पड़ेगा, कवर से बाहर जो है हेड मार दूंगा। अरे गोल्डी ने पेल लिया थॉमसन से, खतरनाक भाई। गोल्डी भी फॉर्म में आया धीरे धीरे, पिछले राउंड में मैंने डबल किल ली, इस राउंड में गोल्डी ने ली। अरे वाह गाइस मैंने एमेटिन की रिक्वेस्ट भेजी, गोल्डी ने एमेटिन भेज दी, बढ़िया है भाई हो तो ऐसा। यहाँ पे गाइस 2-0 स्कोर हो गया और ऊपर मैंने अभी अभी नोटिस करा है, यहाँ पे नोटिस तो पहले ही कर लिया, तो खैर यहाँ पे 4 राउंड का है, मतलब कि 4-0 ही पीट पाएंगे यार मुझे। चल मजाक को साइड में रखते, देखते हो सकता है कम बैक कर लें, चैलेंज तो बहुत ही खतरनाक तरीके से दिया था, अभी देखते हैं क्या होगा। तो ऐसे ही मैं सब्सक्राइबर्स की चैलेंज एक्सेप्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग भी कमेंट कर दिया करो आपका भी चैलेंज एक्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पे गाइस अभी बंदा दिख तो नहीं रहा है, मैं तो मूवमेंट दिखा रहा हूँ फालतू की, जरा सामने ही है, रुको अभी गेम खेलता हूँ उसे। तो यहाँ पे गाइस आज बहुत ज़्यादा मन सा कर रहा है मीटिंग का वन टैप मारने में। अरे गाइस ओपी यहाँ पे एक नॉक हो चुका है बहुत खतरनाक तरीके से, एक गोली है लिटरली, ये हील कर रहा है देखो यहाँ साफ दिख रहा है, रिवाइव ना कर दी गलती से भी मेरी किल भाई, बहुत जान सी प्यारी है, ओनली रेड नंबर मारा है। अरे रिवाइव हो गई यार, यहाँ पे गई उस साइड से पैक खोलने वाला जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ जैसा सोचा था वही हुआ। गोल्डी ने एक पेल दिया और खुद भी नॉक हो गया, जल्दी जल्दी रिवाइव कर दें गोल्डी को, रुको अब रिवाइव कर देते हैं गाइस, उस साइड से आ रहा है उनको मार देते हैं। ये देखो गाइस इसलिए कहते हैं रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने रिवाइव नहीं करा होता तो मैं मर चुका होता, राउंड हार चुके होते, बट मैं फुल HP था सोचो तब जाकर उसने मार दिया, और गोल्डी पीछे से 20 HP का उसने पेल दिया, तो ये सही है बैक कवर होने के लिए होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले रिवाइव कर दिया। तो आप भी ऐसी टीममेट्स को पहले रिवाइव करा करो, कभी भी हीरो नहीं बनना चाहिए, सामने सीधा रश करने चले जाओ और फिर दिक्कत खड़ी हो जाए राउंड हार जाओ। तो ये देखो इस टेक्निक ने मेरे को ये मैच जिता दिया है, ये अभी खैर जीता तो नहीं हूँ बट जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदेमंद थी ये टेक्निक, अभी जीत जीत सकता हूँ, देखो ज़्यादा चांसेस हो गए मेरे अब,
क्योंकि मैंने अपने टीममेट को रिवाइव पहले करा था, उसने एक तो रिवाइव करा पर गोल्ड ही चढ़ गया उसके ऊपर, मेरी ओनली रेड नंबर वाली किल भी नहीं आई। अब गाइस पीछे को चलते हैं, बोला गाइस वहां पे पीछे दूसरा बंदा, यहाँ पे MP5 से डैमेज ही दे रहा हूँ मैं गंदा वाला, 17-17 का डैमेज आ रहा है, सही है, डबल डैमेज किए ना शायद, हाँ क्या 17 भी कम ही है वैसे तो, बट ठीक है उस हिसाब से भी। यहाँ पे कहते पीछे वाले बंदे को तो आने नहीं दूंगा ऊपर, रुको मेरे को खुद ही पहले पीछे जाना पड़ेगा वरना मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं फंस जाऊँगा ना उधर ही अटक जाऊँगा। चलो अब मैं मार सकता हूँ इजीली, देखते हैं गाइस क्या होगा, क्या वो 4-0 पिट पाएंगे, मैं क्लच ले पाऊंगा वन V2 का, क्या मैं 2 सब्सक्राइबर को एक साथ मार पाऊंगा, वो देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, सस्ती टेक्निक। अरे गाइस वो भी वन टैप, क्या वन टैप मारा है, लाइक हो जाना चाहिए इसके लिए तो, वो रिवाइव कर रहा है वो, लाइक कर रहा है वो तो, अभी गाइस रिवाइव हो चुका है वो, कोई नहीं गाइस मारता हूँ रुको भी। यहाँ पे गाइस एक नॉक है गाइस, ओपी ओपी एक नॉक है, जल्दी से फिनिश कर लेते इससे पहले कि वो आ जाए दूसरा बंदा, तो गाइस हील कर लेता हूँ मैं। अरे गाइस ओपी टाइम पे ग्लू, वो तो ग्लू वॉल लग गई, ग्लू वॉल की ग्रिप है भाई, जल्दी पीछे को भागना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होने वाला है, क्लच ले पाऊंगा क्या मैं 1v2 क्लच, जल्दी जल्दी देखते हैं गाइस, एलिमिनेट ही ना कर दूँ उससे बढ़िया मैं। चलो गाइस यहाँ पे मेरा बुईया हो चुका है बहुत ही साफ तरीके से, काफ़ी खुशी है मेरे को इस बात की, ओए मर गया था अभी मैं। चलो गाइस ओपी बोलते गाइस यहाँ पे मैंने एलिमिनेट करा, चलो सही वो भी सही, तो बुईया से निकाला तो आपको भी, आप भी अगर इस चीज़ से रिलेट करते हो, आप भी कई बार एलिमिनेट करके जीतते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्या इसमें बुरा ही क्या है, मज़ा तो आता ही यार ऐसे कामों में भी, कभी कभी करने चाहिए। तो चलो गाइस बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़रूर से कमेंट अच्छा सा लिख देना कोई, और लाइक करना मत भूलना, देखता हूँ मैं सबके कमेंट्स।